नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कर्तिशा क्रिएटिविटी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक पुरानी साड़ी से एक बहुत ही प्यारा सा बैग का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम बिल्कुल न्यू ट्रिक से बनाने वाले हैं और जिसमें हमें ना कोई कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ हमें कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस चाहिए और बिना किसी कट के ये जो हमारा बैग है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो बैग है मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको जरिए से भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पुरानी साड़ी का यूज़ किया है, जिसके बीच में मैंने राइस बैग को अटैच किया है और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है और इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के मैंने क्विल्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, इसकी जो मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 23 इंच और लंबाई मैंने यहाँ पे ली है इसकी 33 इंच। फ्रेंड्स, इस बैग के अंदर जैसे मैंने राइस बैग का यूज़ किया है, तो आप राइस बैग की जगह यहाँ पे फोम शीट या रबर शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो 23 इंच की जो साइड है यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ से निशान लगाते हुए जाना है, तो इंच टेप से यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्क लिया है और ये जो 3 इंच का निशान है हम यहाँ पे 23 इंच की जो साइड है यहाँ पे हम पूरी जगह से लगा देंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, 3 इंच का जो निशान है मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड से पूरी जगह से लगा दिया है। और अब ये जो 3 इंच का जो निशान है यहाँ से हमने कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ से हमने 3-3 इंच का यहाँ पे निशान लगाया है ऊपर की तरफ से हमने कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है और ऊपर से हम यहाँ पे सारी जगह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दी है। तो इसके बाद एक बार फिर से हम इंच टेप से यहाँ पे 3 इंच का मार्क लेंगे और ये जो 3 इंच का जो मार्क है इस बार हम ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैं नीचे की तरफ से 3 इंच का निशान लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपने सारी जगह से 3 इंच का निशान लगा लेना है। और जहाँ पर हमने नीचे की तरफ से 3 इंच का निशान लगाया है, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सारी जगह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सारी जगह से मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक के जहाँ पे हमने 3-3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे मैंने सारी जगह से इसमें सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे देखिए, हैंडल्स को भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे कपड़े को मैंने जस्ट फोल्ड करके यहाँ पे हैंडल्स को बना के तैयार किया है। तो चलिए अब मैं हैंडल्स की आपको लंबाई बता देती हूँ। तो हैंडल्स की लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 25 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 1.5 इंच। आप हैंडल्स की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने हैंडल्स को अटैच करना है, तो दोनों जगह से पहले हम यहाँ पे 4-4 इंच का निशान लगा देंगे और जहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगाया है इसके ऊपर हम हैंडल्स को रख देंगे और हैंडल्स को यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो सेम जिस तरीके से हम एक तरफ से हैंडल्स को स्टिच करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी हैंडल्स को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे हैंडल्स हैं दोनों तरफ से अच्छे से इसमें अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें ज़िप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चेन ले ली है और इस चेन को सबसे पहले हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चेन को अलग कर देती हूँ और उसके बाद सबसे पहले हम एक साइड से यहाँ पर ज़िप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो चेन है इसको हमने उल्टा करके रखना है, जो सीधी साइड है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कपड़े की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे रखी है मैंने 2 इंच और लंबाई यहाँ पे जितनी चेन की लंबाई है इतनी ही लंबाई इस पट्टी की भी है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, चेन के साथ ये जो कपड़ा है हमारा इसमें अटैच हो चुका है, स्टिच हो चुका है। अब हमने ये जो कपड़ा है, कपड़े की जो स्ट्रिप है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। तो कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखिए, जो हमारी चेन है इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे कपड़े की पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और यहाँ पे देखिए, अंदर की तरफ से दोनों साइड से हमारी कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है चेन में। ज़िप के साथ हमने कपड़े के स्ट्रिप को इसलिए अटैच किया है ताकि जब भी हम ज़िप को बंद करें तो कहीं से भी जो हमारी ज़िप है अटके ना। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक रनर को इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, चेन के अंदर मैंने रनर को इंसर्ट कर दिया है और यहाँ से हम अब कपड़े को उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े को मैंने उल्टा कर दिया है। अब इसके दोनों किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों किनारे से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे लेंगे कपड़े की 2 स्ट्रिप। तो यहाँ पे देखिए, जो कपड़े की स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 2 इंच और इसके दोनों साइड से हम यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए
इसमें सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हम इसमें पाइपिंग को अटैच कर देंगे। पाइपिंग लगाने से एक तो हमारे जो रफ़ एजेस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बैग में अच्छे से मजबूती आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से मैंने इसमें पाइपिंग को अटैच कर दिया है और यहाँ पे देखिए हमारी अंदर से भी बैग में कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है। तो यहाँ पे हमारा जो बैग है ये तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें यहाँ पे बेस तैयार करेंगे इसका। तो पहले हम यहाँ पे कॉर्नर पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बैग के कॉर्नर से हम पहले 2.5 इंच का यहाँ पे इंच टेप से मार्क लगा देंगे। तो दोनों कॉर्नर से हम अच्छे से यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर को भी हम यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे चौक से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैंने 2.5 इंच का यहाँ पे चौक से निशान लगा दिया है और जहाँ पे हमने दोनों कॉर्नर से 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर है यहाँ पे आप सुई धागे से इसको यहाँ पे टक कर दीजिएगा, एक हल्के से यहाँ पे सिलाई लगा दीजिएगा सुई धागे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बैग है बनके तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से बैग को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैग को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है और यहाँ पे देखिए जो बैग का बेस है कितना अच्छा यहाँ पे वाइड बना हुआ है। हमने यहाँ पे सिर्फ कपड़े को अंदर की तरफ से फोल्ड किया है और यहाँ पे हमारा बिना किसी कट के ये जो इसका बेस है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना प्यारा सा एक सुंदर सा बैग बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही बड़ा ये हमारा बैग बना है। तो यहाँ पे देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके हैंडल्स हैं। तो अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, बहुत ही बड़ा हमारा ये बैग बना है। इसमें मैं आपको हाथ भी डाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी साइज़ की इसकी लंबाई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है। और इसको अगर आप ट्रैवल बैग की तरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप जैसे अगर ट्रैवल में जा रहे हैं तो इसमें कम से कम आपके 8 से 10 जोड़े कपड़े जो हैं आराम से आ जाएंगे। और इस तरीके का जो एक बड़ा बैग है हमारे घर में तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक पुरानी साड़ी से बिना किसी कट के कपड़े के सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस का यूज़ करके हमने कितना प्यारा से यहाँ पे हैंडबैग बना के तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का जो आइडिया है आपको पसंद आया होगा। अगर आज का आइडिया आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।